2022 मानो जैसे अभी शुरू हुआ था, इसके 6 महीने निकल गए पता ही नहीं लगा। इसी तरह से 6 महीने और निकल जाएंगे और 2022 एंड हो जाएगा। 2023 इसी तरह से शुरू होगा, वो भी इसी तरह से एंड हो जाएगा। और ऐसे साल निकलते रहेंगे, पर अगर वक्त के साथ साथ मेहनत नहीं की, जिंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन और एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की, तो साल के साथ साथ जिंदगी आधी निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, कि जब हम सोच रहे होंगे कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ पछतावा होगा और अधूरे सपने होंगे। उस टाइम माइंड चलेगा कि यार ये कर सकता था, वो कर सकता था। एक कामयाब इंसान को अगर देखने जाए तो उसने क्या किया होता है जिस वजह से वो कामयाब है, क्योंकि वो वक्त को काबू में कर लेता है। उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है, वो टालता नहीं है, वो ओवरथिंकिंग में फंसता नहीं है, उसे वक्त को काबू में करना आता है, उसे अपना जीवन का एक एक मिनट कंट्रोल करना आता है, उसके हाथ में उसका कैलेंडर होता है जिंदगी का। देखो मजा आता है तब काम करने में दिक्कत नहीं होती है, तब टाइम अच्छे से यूज कर लेते हैं, काम करने में मजा आ रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा वक्त चल रहा है, तब तो मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है, तब तो घंटों घंटों काम कर लेते हैं। सीखना तो हमें यह है ना कि एकदम खाली फील हो, 1% भी मन ना हो काम करने का, तब काम कैसे करें, तब टाइम को कैसे मैनेज करें, तब एक एक मिनट का यूज कैसे करें, तब टाइम को वेस्ट कैसे ना करें, बस यही जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो आप जानते हैं जिंदगी को कंट्रोल कैसे करें, आपके आने वाले हर एक मिनट को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि अगर मिनट कंट्रोल में आ गया तो घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे, दिन आ जाएगा, हफ्ते आ जाएंगे, महीने आ जाएंगे, साल भी आ जाएंगे, और इस तरह से पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। आपके हाथ में होगा कब आपको कौन सा काम करना है, आपको खुद पे डाउट नहीं होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कब कौन सा काम करोगे, आप कैलेंडर फॉलो कर रहे होगे और आप कर दोगे। मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं जिसे मैंने खुद यूज किया है इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। इस मेथड का नाम है पोमोडोरो टेक्निक, भागना मत सुन के नाम। मुझे पता आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं पता है, और अगर पता है तो यूज क्यों नहीं किया अब तक, क्योंकि अगर आपने पोमोडोरो को अच्छे से अप्लाई करा होता और जिंदगी में फोड़ रहे होते अगर, तो इस वीडियो पे क्लिक नहीं करता। कोई चीज पता होना और लगातार उसको अप्लाई करना, दोनों में फर्क है। पोमोडोरो के बारे में मैंने पहली बार सुना था जब मैं ब्लॉगिंग किया करता था, आज से 7-8 साल पहले मैंने सुना था इसके बारे में, लेकिन मैंने भी बहुत लेट इसको आजमाया। पोमोडोरो मेथड को फ्रांसेस्को सिरिलियो ने 1980 में बनाया था। मैंने इसके बारे में अपने यूट्यूब वीडियो में बात भी कर रखी है, लेकिन अब काफी सीरियस तरीके से मैं इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहा हूँ और आपकी लाइफ में भी अप्लाई करवाऊंगा। इस टेक्निक को समझाने के लिए बात करते हैं पहले इलॉन मस्क की, जो कि मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ऐसे और बड़ी कंपनीज। इसके अलावा दूसरी कंपनी खरीदने में ध्यान देते हैं वो अलग, तब भी सब अच्छे से मैनेज करते हैं, और ये बताते हैं कि ये 80 to 100 hours a week वर्क करते हैं, 80 to 100 घंटे 7 दिन में काम करते हैं। लोग हैरान हैं ये इतनी कंपनीज में काम इतने अच्छे तरीके से कैसे कर पाते हैं। तो इनका कहना है कि वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज करते हैं, जिसे टाइम बॉक्सिंग भी कहते हैं, जिसमें किसी काम को या किसी टास्क को एक टाइम स्लॉट में बांध दिया जाता है कि इस टाइम को इतने बजे से इतने बजे करना है, इतने घंटे में करना है, इतने मिनट्स में करना है, उसको टाइम दे दिया जाता है जिसमें उसके अलावा दूसरा काम नहीं किया जाता है। और जब वो टाइम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब उस काम को बीच में ही छोड़ करके दूसरे स्लॉट को स्टार्ट कर दिया जाता है जो दूसरा काम है। इसीलिए इसका नाम भी टाइम ब्लॉकिंग है, टाइम ब्लॉक हो गया, इसमें यही काम करना है, टाइम खत्म, दूसरा काम, उसमें वही काम करना है। इसमें एक तो कोई काम मिस होता नहीं है, दूसरा इसमें फोकस बड़ा अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपको बाकी के टास्क की चिंता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि उसका भी टाइम आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी ये करना है मुझे, आप चिंता नहीं करते, आपको पता है टाइम आएगा हर काम का। पोमोडोरो में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पोमोडोरो में भी आप अपने आप को 25 मिनट्स के लिए किसी एक काम के लिए अपने आप को बांध देते हो कि ये काम करना है, अब कुछ नहीं करना है, जो है वो यही है, 25 मिनट देना है मेरे को। अब जिन लोगों को नहीं पता पोमोडोरो क्या है, एक पैराग्राफ में समझ जाओगे आप। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपको 25 मिनट बैठ करके यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। आप फोन को फ्लाइट मोड में डाल देते हो, आप अपने फोन को या फिर दूर रख लेते हो, लैपटॉप में काम कर रहे होते हो तो लैपटॉप में सब क्लोज कर देते हो, जो भी एप्लीकेशन है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, सारे यूजलेस टैब्स आप क्लोज कर लेते हो, रिलैक्स वाला म्यूजिक लगा लेते हो, फोकस वाला म्यूजिक लगा लेते हो, शांति में आप 25 मिनट देते हो सिर्फ उस काम को। 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आप 25 मिनट फिर से काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, 25 और 5 30 मिनट, एक पोमोडोरो हुआ 30 मिनट का, ऐसे 4 बार करते हो तो 2 घंटे हो जाते हैं,
और 2 घंटे इस तरह से देने के बाद में आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो 20 मिनट का 30 मिनट का। अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आप एक पोमोडोरो कंप्लीट करोगे यानी कि 25 मिनट कंप्लीट करोगे और 5 मिनट का ब्रेक लोगे, तब आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी ये 5 मिनट खत्म हो, मुझे अगले पोमोडोरो में जाना है। आपको एक मजा आएगा क्योंकि आपने कुछ अचीव करा है काम करके, एक फीलिंग आई है कुछ करा है मैंने और वो आपको फिर से अचीव करना है। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करोगे आपको लगेगा वाह मैंने 4 बार कर दिया इसको। रोज आप इस तरह से गोल बनाओगे, आप बहुत शानदार तरीके से अपना गोल ट्रैक कर रहे होगे। आप 4-4 करोगे, फिर उसके बाद में 8-8 करोगे। 8 पोमोडोरो में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। 12 करोगे और ज्यादा करोगे, आपको ऐसे मजा आने लग जाएगा। गेम में कैसे मजा आता है, कॉइन्स इकट्ठे करते हो और मजा आता है। जैसे पबजी में कैसे होता है, किल्स और करते हैं तो और मजा आता है। मैंने इतने किल्स कर दिए, मैंने 20 कर दिए, 25 कर दिए और करने का मन होता है। रोज आप एक एम के साथ उठोगे, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा कि मुझे आज 8 पोमोडोरो कंप्लीट करना है। आपको एक टारगेट मिल जाएगा। गेम में क्या होता है, गेम में मजा क्यों आता है? गेम में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब टारगेट मिलता है, वरना इंटरेस्टिंग गेम भी बोरिंग हो जाता है जब टारगेट नहीं होता उसमें। जब आप पोमोडोरो कंप्लीट करोगे आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग मिलेगी, कुछ हासिल कर दिया ऐसा लगेगा। सबसे बेकार कब लगता है? जब टाइम को वेस्ट करते हैं और टाइम को बहुत शानदार तरीके से यूज करते हैं, तब कैसा लगता है कि यार मजा आ गया, इसी तरह से और करना है। तो पोमोडोरो में यही होगा, आप फिर से करना चाहोगे। और क्यों इतना फोकस बन जाता है पोमोडोरो में, उसका कारण है आप अपने आप को 25 मिनट के ब्रैकेट में बांध देते हो, अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो कि 25 मिनट मेरे को सिर्फ ये करना है। आप 25 मिनट का टाइमर सेट करके मोबाइल को सामने रख लेते हो, आपको टाइम जाता हुआ दिखता है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब केवल 5 मिनट बचे हैं इस काम को मैं कर रहा हूँ, आपको वक्त जाता हुआ नजर आता है। इससे आपको अर्जेंसी समझ आती है क्योंकि आपको 25 मिनट खत्म होते नजर आते हैं। सोचो कोई आपको काम दे, कोई टास्क दे और साथ में वक्त भी दे कि आपको इतने वक्त में ही करना है, तब आपका फोकस ज्यादा होगा। या कोई आपको काम दे और वक्त बताए ना, तब आप टालोगे। लाइफ में टाइम जरूरी है कि इसको इतने टाइम में खत्म करना है। सोचो आपकी लाइफ में ऐसे कितने काम है जो आपको लगता है कि कोई दूसरा आपके सर पर गन रखे और आपसे करवाए तो आप कर दोगे, पर वैसे बिना प्रेशर आप काम नहीं करोगे। कोई प्रेशर दे तो कर दोगे, कोई टाइम दे कि आपको इतना टाइम में करना है तो आप कर दोगे, लेकिन वैसे नहीं करोगे। जबकि पता है कि वो काम आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पता है कि ये करूंगा लगातार में तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया। सिस्टम किससे बनेगा? पोमोडोरो से। पोमोडोरो मेथड में एक्जैक्टली यही हो रहा होता है कि आपके ऊपर 25 मिनट का साइकोलॉजिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको 25 मिनट में ये काम करना है। आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा, कई बार होता है ऐसा। मैं जब इस मेथड से काम करता हूं तो मैं इस तरह से काम करता हूं जैसे मेरे पास 25 मिनट है, मुझे काम करना ही है, बस 25 मिनट में मुझे और कुछ नहीं करना है। मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली इसमें लग जाता है, मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल आता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी ब्रेक आएगा तब सोचेंगे उसके बारे में, अभी ब्रेक आएगा तब बात करेंगे जिसका कॉल आ रहा है। 5 मिनट का ब्रेक क्यों आ रहा है फिर? वो इसीलिए तो आ रहा है, जो चूल मछली दिमाग में कुछ करने का मन कर रहा है वो ब्रेक किस लिए है? उसी लिए है। 25 मिनट आप बिल्कुल खो जाओगे। हम इंसानों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, टारगेट की जरूरत होती है, और मोटिवेशन मिलता है जब हमें कुछ होता हुआ दिखता है। पोमोडोरो से आपको कुछ होता हुआ दिखेगा, टाइम के साथ खेल रहे होगे आप। जब आप 25 मिनट में अपने आप को पूरा उस काम के लिए सौंप दोगे, आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हो उस काम के लिए, और जब अलार्म रिंग होती है तब आप उस 5 मिनट के ब्रेक में एंजॉय कर रहे होते हो कि आपने कुछ करा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फील आएगी, यानी डोपामिन रिलीज होगा, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा, आपको मजा आएगा। पोमोडोरो मेथड क्यों इतना इफेक्टिव है ये समझाने के लिए मैं आपको मोटिवेशन की साइंस समझाता हूँ, मोटिवेशन का सूत्र समझाता हूँ। पियर स्टिल ने अपनी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में मोटिवेशन की इक्वेशन बताई है, यानी मोटिवेशन का सूत्र बताया है कि हम कोई भी काम करते हैं तो पूरी इच्छा से कब करते हैं और क्यों करते हैं, मोटिवेशन के साथ में क्यों करते हैं, उसकी साइंस बताई है। और वो इक्वेशन है, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंपल्सिवनेस इंटू डिले। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी काम करने का मन होता है या नहीं होता है, उसके पीछे का कारण ये सूत्र होता है। इसको मैं और आसान करता हूँ, जब आप नीचे की वैल्यू इम्पल्सिवनेस और डिले को कम करते हो तब आपको किसी काम को करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 साल बाद एग्जाम है, अब क्योंकि वो 1 साल बाद है तो डिले ज़्यादा है तो उस काम को करने का इतना ज़्यादा मन नहीं होगा, और अगर आपका 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट है तो आपके पढ़ने की मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, भले वो स्ट्रेस वाली मोटिवेशन हो। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू की, जिसे बढ़ाना होता है। जब वैल्यू बढ़ती है मोटिवेशन बढ़ता है, आप किसी काम की वैल्यू जब ज्यादा करते हो तो मोटिवेशन बढ़ा हुआ होता है। अगर आपको पता है कि आपके काम से
कोई काम है उससे किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है या फिर दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो उसको करने की मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी। और अगर आपको लगता है कि ये काम करके क्या ही हो जाएगा तो मोटिवेशन उसकी कम होती है। उसके बाद में फिर आता है एक्सपेक्टेंसी। आपके किसी काम को करने की मोटिवेशन सबसे ज्यादा तब होती है जब आपको पता होता है कि वो काम आप कर ही दोगे, उस काम के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक पेज पढ़ना है इस किताब का, आप पढ़ सकते हो इजीली, और उसको पढ़ने के बाद में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो आप पूरे मोटिवेशन के साथ में उस पेज को पढ़ोगे। और अगर आपको दूसरी तरफ कहा जाए कि आपको 20 किताबें पढ़नी है 500-500 पेजेस की और बहुत टफ किताबें हैं, और वो पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो उसके होने के चांसेस थोड़े से टफ है, तो मोटिवेशन कम होगी। तो अगर आप अब मोटिवेशन की इस इक्वेशन को समझ चुके हो तो आपको अब लगेगा कि पोमोडोरो आपकी हेल्प करता है मोटिवेशन को बढ़ाने में। मोटिवेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को बढ़ानी होती है और इम्पल्सिवनेस और डिले को कम करनी होती है। 25 मिनट बैठ करके आपको कोई काम करना है, ये आपके लिए आसान है, यानी कि एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। फिर आता है वैल्यू। तो ऑफकोर्स आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आएगा अगर आप उस काम को करोगे तो वैल्यू बढ़ गई। अब इम्पल्सिवनेस को कम करना है, यानी कि आप कितने डिस्ट्रैक्ट होते हो वो कम हो जाएगा पोमोडोरो से, क्योंकि आप 25 मिनट तल्लीन होकर काम करोगे, पूरे घुस जाओगे उसके अंदर। फिर लास्ट में आता है डिले को कम करना। पोमोडोरो से आप डिले को कम कर चुके हो, आपको लगता है कि 25 मिनट बाद ही कुछ होगा, 25 मिनट बाद में आपको एक फील आएगी कि आपने कुछ कर दिया, कुछ अचीव कर दिया, जिसके बाद में आप फिर से 25 मिनट चाहोगे कि आप काम करो। पोमोडोरो इस तरह से अप्लाई हो रहा है मोटिवेशन के ऊपर। अगर आपको मोटिवेशन की इक्वेशन सही से समझ नहीं आई है तो आप इस वाले पार्ट को फिर से देख सकते हो, पर मैं आपको बता दूं कि आपको केवल पोमोडोरो समझना है और इसे अप्लाई करना है। पोमोडोरो के फायदे इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, एक बार कर लो, आपको फायदे लाइफ दिख जाएंगे। अब बात करते हैं इस चैलेंज की, जिस चैलेंज को बहुत इजीली आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, बहुत आसान है। दोस्तों पोमोडोरो आपको रोज 2 घंटे अप्लाई करना है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, जो भी आप करते हो जिसमें आपको फोकस की जरूरत है। मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 पोमोडोरो अप्लाई करे हैं। 10 पोमोडोरोस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 60, इतने घंटे लगे हैं, जिसमें मैंने 2-3 बार बड़े बड़े ब्रेक्स भी लिए हैं। आप शुरू करो 2 घंटे से, यानी कि पर डे 4 टाइम्स पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो, जो कि बहुत कम है, आपको 1% भी थकान महसूस नहीं होगी। और जब आप इसको अप्लाई करते हो मजा आता है, तो आप इस वीडियो में आकर के कमेंट करके बताओ कि आपको मजा आया, ताकि उस कमेंट को पढ़ के दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। 21 दिन तक ये चैलेंज हमें कंप्लीट करना है, पोमोडोरो को लाइफ में उतार देना है, फोकस को पूरी लाइफ में उतार देना है, क्योंकि फोकस से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, ये आप मानते हो। 21 दिन के बाद में आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप पोमोडोरो के बिना, आप फोकस के बिना काम नहीं करवाओगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। अगर आप इस चैलेंज को लेते हो तो आपको कमेंट में सिर्फ यस लिखना है। इसके अलावा भी और कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।